हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, और ये चैप्टर कौन सा है? साउंड। यस, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साउंड? साउंड से आप क्या समझते हैं? जो हम लोग, जैसे आई एम स्पीकिंग यू कैन हियर इट, ऐसे ही आप अपने चारों तरफ यू कैन हियर a number of sounds, like you can hear the sound of birds, you can hear the sound of vehicles moving, you can hear the sound of the cooler ya AC, jahan par bhi jo chal raha hai. So there are different sounds that you can hear. Hai ya nahi hai? Har kisi ki ek apni sound hoti hai. Aur even if you are closing your eyes, tab bhi aap and you are hearing different sounds, you can identify ye kiski sound hai. Whether and this is a sound of any music, whether this is a sound of a vehicle moving, whether it is a sound coming from the kitchen, or even aap ye bhi differentiate kar lete hain ki agar hum music ki baat kar rahe hain to whether ye koi drum baja raha hai ya koi flute baja raha hai ya koi guitar sitar baja raha hai. So you can differentiate with the sounds also. ये तो मेन थिंग जो जा रही है कि हाउ डज दिस साउंड इज क्रिएटेड एंड हाउ डज दिस डिफरेंस इज कमिंग ऑन. साउंड क्रिएट हो रही है, लेकिन हर कोई अपना एक पर्टिकुलर टाइप का, एक इंडिविजुअलाइज साउंड क्रिएट होती है. इवन जो साउंड हम लोग बोलते हैं आपस में, वी स्पीक, सबसे पहले वी कैन डिफरेंशिएट वेदर अ मेल पर्सन इज स्पीकिंग आउट या फीमेल पर्सन इज स्पीकिंग आउट. और उसके बाद जो अगर हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, व्हेन दे आर स्पीकिंग, दो अगर हम कहें दे आर फाइव फीमेल फैमिली मेंबर्स, आप पांचों की आवाज में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो देख रहे, दिस मीन्स कोई एक ऐसा हमारा, ये जो डिफरेंस आ रहा है डेट इज बिकॉज ऑफ सम सिस्टम, कुछ तो डिफरेंस है, कहीं कुछ ऐसा होता है. Now, तो ये जो डिफरेंस है, उससे पहले अगर हम ये चीज देखें कि फ्रॉम वेयर दिस साउंड इज क्रिएटेड या हाउ डज दिस साउंड इज क्रिएटेड, तब हम वी कैन गो इन डिटेल और इसको और अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं. तो आज के जो सेशन है, उसमें आज के सेशन से आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर ऑफ साउंड. और जो आज हम लोग सीख रहे हैं, इस सेशन में सीख रहे हैं, वो है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. यहीं पे मैं आपको बता दे रही हूं कि जब कोई चीज वाइब्रेट करती है देन साउंड इज प्रोड्यूस. इसका आपने पहले अपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, उसका ही हम बेस लेते हुए हम आज अपने इस टॉपिक को और डिटेल में समझते हैं. सो हाउ डू यू कम टू नो दैट समवन इज एट योर डोर? अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं, कैसे पता चलता है? तो देयर आर टू ऑप्शंस. या तो क्या होता है, वो जो आपने बाहर बेल बजा लगा रखी है, द पर्सन विल रिंग दैट बेल, वो बटन प्रेस करेगा एंड यू कैन हियर द बेल एंड देन यू विल कम टू नो दैट समवन इज आउटसाइड वेटिंग फॉर यू या हैज कम टू मीट यू. दूसरा क्या है, द पर्सन इज गोइंग टू नॉक द डोर. अगर आपने बेल नहीं लगाई है या आपकी बेल खराब हो गई है, या सपोज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, बट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड द डोर इज क्लोज, तो उसको कैसे हमें बताना है कि हम आपके डोर पर हैं, प्लीज ओपन द डोर. तब हम लोग क्या करते हैं, वी नॉक द डोर. है या नहीं है? तो अगेन जो नॉक कर रहे हैं, तो नॉक मीन्स क्या, वी आर क्रिएटिंग सम साउंड एंड वी आर थ्रू दैट साउंड वी वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑन द अदर साइड के आई एम आउटसाइड वेटिंग फॉर यू. So, ये क्या है, तो इसमें हम जो देख रहे हैं कि या तो वो नॉक करता है या डोरबेल को रिंग करता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखते हैं, यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स आल्सो. होता है या नहीं होता है? ये तो हुआ कि जब हम बाहर खड़े हैं, हमने डोरबेल रिंग करी, तब पता चला. लेकिन अगर आप बैठे हैं और आपके घर के अंदर ही मूवमेंट है एंड You are alone in your room. फिर कोई अगर आपके रूम में आ रहा है, तो how do you recognize? You recognize through the footsteps. आपको पैरों जो चलने की आवाज है, वो भी आपको बताती है कि someone is approaching you. So
अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड. तो यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो साउंड है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अवर लाइफ. मीन्स ये साउंड से वी आर कमिंग टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स. लाइक ये जो साउंड क्रिएट करने की फैसिलिटी हमें एक एडवांटेज है. तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस साउंड, तो मीन्स जब मैं बोल रही हूँ यू कैन लिसन, तो ऐसे आपका कितना लर्निंग हो रही है. अगर ये साउंड सिस्टम ही नहीं होता कि अगर हमें कुछ आता है एंड हम आपको सिखाना चाहते हैं या अपनी कोई बात आपसे कहना चाहते हैं, अगर ये साउंड क्रिएशन का सिस्टम ही नहीं होता तो कैसे वी कैन कम्युनिकेट. तो अगर हम देखते हैं जो साउंड है, दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. और वही जो मैं अभी आपको बता रही थी कि इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. किसी के हमें कोई बात उसको बतानी है, हमें उसकी बात समझनी है, हमें कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ भी है, तो अगर आप देखें क्या होता है, अगर आप आपस में बात नहीं करते हैं, कितनी बार यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट, कितनी बार. जनरली क्या होता है, हमारा बेस्ट मेन यह होता है कि वी जस्ट वॉन्ट टू टॉक विद ईच अदर, वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. और इसी प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि बिकॉज एक हमारा ये सिस्टम है जिसमें हम वी कैन प्रोड्यूस अ साउंड, तो ऐसे इट्स नॉट ओनली ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, ऑल आर क्रिएटिंग साउंड. इवन द नॉन लिविंग थिंग्स व्हेन दे आर मूविंग ऑन द रोड लाइक बस, ट्रक्स या कार्स, दे ऑल्सो क्रिएट अ साउंड. तो अगर हम देखें तो चारों तरफ से वी आर ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. नाउ क्वेश्चंस रिलेटेड टू साउंड जो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारे मन में हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी आते हों. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. तो जैसा मैंने अभी जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहा था सेशन, वो ही कहा था कि हमारा सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है कि, और जैसा हमने देखा है कि, और उसके आगे थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं फिर डिटेल में डिस्कस करूंगी. How does it travel from one place to another? ये भी, this is also a very important thing. You are sitting in your home, लेकिन बाहर से अगर कोई आपका vehicle जा रहा है, even then you can hear, although your doors and windows are closed. आप एक, you are से, क्या है, in a very protective environment, you are sitting, you are in a hotel, you are in a school, you are in a hospital. लेकिन क्या होता है, दूर से भी हमें वी कैन हियर द साउंड. हाउ डज ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन एंड हाउ आर ऑल दिस प्रोसेस आर वर्किंग ऑन. फिर आ गया कि जो साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, बट हाउ कैन वी हियर द साउंड, हम कैसे उसको सुन रहे हैं. ठीक है साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम उसको सुन भी रहे हैं, तभी तो हमें पता चल रहा है सम साउंड इज क्रिएटेड. तो हाउ डज दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एंड व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स. ये भी एक क्वेश्चन है कि कुछ क्या होता है, कुछ इतना लाइट होता है कि आपको यू हैव टू पे अटेंशन, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, कुछ इतना लाउड होता है कि मतलब यू जस्ट वॉन्ट टू क्लोज दैट साउंड. तो व्हाई दिस डिफरेंस और हाउ डज दिस डिफरेंस हैपेंस. लाइक हम बोल रहे हैं आई एम स्पीकिंग टू यू कैन हियर, लेकिन अगर मैं सॉफ्ट हो जाऊं, बहुत हल्के से बोलूं, तो क्या होगा. अब मैंने हल्के से बोला तो व्हाट हैपेंस, इमीडिएटली आपने अपना पूरा अटेंशन पे करा टू हियर व्हाट आई वांट टू से. सो हाउ डज दिस डिफरेंशिएशन ऑकर्स. तो अगर हम साउंड को देखते हैं तो दीज और आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और इसके अलावा भी आपके मन में भी आ रहे होंगे. देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच जनरेट व्हेन वी जस्ट थिंक अबाउट द साउंड. एंड और जो है कि हाउ डज देयर इज अ डिफरेंस इन द साउंड, कि आप क्या है, अभी हमने मेल कहा था, लेकिन मेल अगर हम 50 मेल से मिलेंगे, एवरीवन विल हैव देयर ओन काइंड ऑफ साउंड. एवरी उनकी जो वॉइस होगी उनमें देयर वी कैन गो विद द डिफरेंस. तो हाउ डज ऑल दीज थिंग्स हैपन. तो यही सब हम जो अपने सेशंस में मूव करेंगे विल लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स. पहले क्वेश्चन का आंसर आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ हिंट, इसको डिटेल में फिर हम लोग पढ़ेंगे. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. जो साउंड का प्रोडक्शन है वो होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस होते हैं, इन्हीं को वाइब्रेशंस को हम लोग
और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। नाउ इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल आपको मैं डिस्कस कर रही हूं। आपके घर में पूजा की घंटी तो होगी ना? यस, ओके। सो व्हाट यू डू, अगर अभी है पॉज द सेशन, जस्ट ब्रिंग द बेल। और अगर आप अभी ऐसी जगह बैठे हैं कि आपको बेल नहीं मिल सकती है, तो व्हेन यू आर एट होम या जब आपको बेल मिले, जस्ट रिमेंबर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। अभी जब आपकी बेल रखी है, उसको जस्ट टच इट, कुछ नहीं करना, जैसे रखी है उसको टच इट। तो क्या होगा, टच द बेल व्हेन नॉट इन यूज। आप मुझे बताइए व्हाट विल यू फील। और ये तो अभी कहा है, लेकिन आप जनरल ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि बेल रखी है, आपने टच करा, आपको व्हाट विल यू फील। एक इमेजिनेशन लेके चलते, क्या है, एक आपको लगेगा सिंपल किसी मेटल पर यू हैव केप्ट योर हैंड, है ना, यू कैन बस जस्ट टच इट। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड मींस, अब जब क्या करना है आपको, हम जब उसे रिंग कर रहे हैं एंड देन टच इट, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। तो जब हम उसे, जब वो बेल आपकी, व्हेन इट इज रिंगिंग, जब आप जैसे पूजा में हम लोग करते हैं, वो कर रहे हैं, और उसके जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको टच करें, तो उसका जो स्ट्रक्चर, अभी आपको एक सिंपल यू वर फीलिंग कि इट्स ओनली अ मेटलिक थिंग, बट व्हेन नाउ व्हेन यू विल कीप योर हैंड ओवर इट, यू कैन फील दैट कुछ अंदर वाइब्रेशंस है, कुछ अंदर मूवमेंट इज गोइंग ऑन। सो इनको जो हल्का सा मूवमेंट जब हम करते हैं और उसको जब टच करते हैं, तो डेट फीलिंग इज नोन एज वाइब्रेशंस, ठीक है। तो यू कैन फील द वाइब्रेशंस। नाउ एक और बहुत अच्छा है, ये तो आप बहुत, और ये इस टाइप का गेम तो यू मस्ट हैव प्लेड इन योर क्लास या इन योर होम, कहीं भी आप लोगों ने ये गेम करा भी होगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग अ रबर बैंड, और उसको हम लोगों ने क्या करा है, जो पेंसिल बॉक्स है हमारा, उसकी साइड में हमने इसको लगा दिया। एंड देन व्हाट वी हैव डन, इसके बाद वी हैव इंसर्टेड, वी हैव पुट डाउन टू पेंसिल्स अंडर इट। सो नाउ इट इज बिकम लाइक अ स्ट्रिंग। अब आप क्या करेंगे, व्हेन यू विल प्लक दिस रबर बैंड From the middle, somewhere from the middle. तो just think about, yes, sound create होती है, and with this sound, जो आपको rubber band का movement होगा, तो क्या होगा, you can see the vibrations also. ठीक है, rubber band का you can see the vibration. So you, do you hear any sound? आपका answer आएगा yes. Does the band vibrate? Yes. So when you are plucking it, जब आप उसको ऐसे टच करके छोड़ रहे हैं, तो यू आर क्रिएटिंग वाइब्रेशन इन इट, और जब बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन द साउंड इज प्रोड्यूस। तो वॉट इज वाइब्रेशन, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रॉथ जो मोशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज वाइब्रेशन। जब चीज ऐसे ऐसे एक बार आपने टच करा, एंड फॉर सम टाइम इट कीप्स ऑन मूविंग। When a tightly stretched band is plugged, क्या होता है, it vibrates, और ये vibrate करने से क्या होता है, it produces sound. And when this vibration stops, the sound will also stop. समझ में आया, उसी समय आपकी sound stop हो जाएगी. So what did we learn today? Today in this session हमने ये देखा, introduction देखा sound का, और एक जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमने सीखी है कि व्हेन एनी बॉडी वाइब्रेट्स, इट क्रिएट्स साउंड, एंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन जो साउंड होती है, वी कैन हियर इट। आने वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे, जो अभी हमारा एक और क्वेश्चन था, हाउ कैन वी हियर द साउंड, इसको वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।